लेकिन हिंदू महासभा लगातार इन देश विरोधी तत्वों के खिलाफ बोलती रही, सरकार से एक्शन लेने की मांग करती रही। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल हांसी की आवाज़ से मीडिया के माध्यम से हम आपको विभिन्न पर्सनालिटीज़ के इंटरव्यूज दिखाते रहते हैं। आज हमारे बीच हिंदू महासभा के एक फायर ब्रांड नेता, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव मुन्ना शर्मा जी, उनके साथ प्रदेशाध्यक्ष शिवाज जी और अन्य हिंदू महासभा के पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं। सौभाग्यवंश उनका हांसी में आज आना हुआ। तो ये सबसे पहले सीधे सीधे आपसे सीधे ही प्रश्न दागते हैं, शाहीन बाग, दिल्ली रॉयट्स और दिल्ली में बेशुमार हिंसा, क्या भाजपा की देन है, कांग्रेस की देन है या एनसीआर, पीआर और डबल सीए, कौन राजनीति कर रहा है इसकी? देखिए, इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है और देश में रहने वाले जो गद्दार हैं, कुछ मौलाना, कुछ मौलवी, कुछ बड़े मुस्लिम नेता अपने को बताते हैं, वो लोग मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। उनको लोग बता रहे हैं कि मुसलमानों को देश से बाहर किया जाएगा। ये मोदी सरकार ने षड्यंत्र रचा है कि सारे मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर किया जाए, तो मुसलमान उसमें दिग्भ्रमित हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि सीए है क्या। उनको लगता है हम लोगों को निकालने का ही कानून है, उनको कानून का पता नहीं है। तो राष्ट्र विरोधी तत्वों के द्वारा बहकावे में आकर लोग कुछ जगह पर इकट्ठा हुए, जो कि उनका वो मांग है कि सीए को वापस किया जाए, जबकि ये फैक्ट है कि सीए किसी भी मुसलमान को बाहर नहीं करता है। ये तो जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू हैं, हिंदू शरणार्थी, जिनको अल्पसंख्यक होने के कारण इन देशों में प्रताड़ित किया गया है, इनकी महिलाओं का सम्मान लूटा गया है, इनकी संपत्ति लूटी गई है, ये लोग बेबस होकर लाचारी बस यहाँ पर आए हैं। सीए उनको मैं बात कर रहा, मैं दिल्ली पे पूछ रहा हूँ कि दिल्ली की हिंसा का कौन जिम्मेवार है? दिल्ली का ही दिल्ली, मैं आपको बताया ना कि दिल्ली की हिंसा का जिम्मेवार कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, जो हमेशा देश को टुकड़े करना चाहता है, देश को बांटना चाहता है, देश को कमज़ोर करना चाहता है। उन्हीं ताकतों के द्वारा ये षड्यंत्र रचे गए, दंगे कराए गए, हिंसा की गई, उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो इस साजिश में शामिल लोग हैं वो शीघ्र ही गिरफ्तार होंगे, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी और जिन लोगों ने देश को तोड़ने का षड्यंत्र रचा था उनको सबक सिखाया जाएगा। विपक्ष बार बार ये कह रहा है मुन्ना जी कि अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कार्रवाई नहीं की, जब तक पूरी तरह रॉयट्स नहीं भड़के, जब तक 30-35 जाने नहीं चलेगी, पुलिस वालों की, आईबी की, एक युवा लड़के की जान नहीं चली गई, तब तक पुलिस एक्शन में नहीं आई, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं और हिंदू महासभा कितना इत्तेफाक रखती है? देखिए, आपको याद होगा कि जब जापान के प्रधानमंत्री आ रहे थे गुवाहाटी, तो उस समय भी हिंसा फैलाई गई, उस इलाके में डिस्टर्बेंस किया गया। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आने वाले थे तो उनकी यात्रा को बाधित करने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा गया, उपद्रव किया गया, हिंसा की गई। उस समय काफ़ी संख्या में पुलिस और केंद्रीय बल के जवान अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे थे। जो अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी और जो पुलिस के अधिकारी थे उनका ध्यान उस सुरक्षा पर लगा था, इसलिए निश्चित रूप से कुछ उसमें देर हुई है, कार्रवाई पहले की जानी चाहिए थी। लेकिन दो दिन में जो हिंसा फैली डोनाल्ड ट्रंप के आने पर, उन दो दिनों में ही राष्ट्र विरोधी तत्वों ने पूरा आतंक मचा दिया और ट्रंप के जाते ही सरकार पूरे एक्शन में आ गई और उसके बाद उपद्रवियों पर और जो दंगा फैलाने वाले लोग थे उस पर कड़ी कार्रवाई की गई और आपने देखा कि दंगा को पूरी तरह से रोक दिया गया। हिंदू महासभा की स्टेटमेंट बहुत कम आई इस दौरान, कपिल मिश्रा की तो बहुत आई, उधर से ओवैसी जी भी बहुत आग उगले, तो इसमें हिंदू महासभा ने ज़्यादा इतना? देखिए, कपिल मिश्रा वहाँ के स्थानीय नेता हैं, वहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं,
इस बार भी लड़े थे, उसके पहले भी लड़े थे, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पर कपिल मिश्रा का रोल ज़्यादा था, उनके कार्यकर्ताओं का भी वहाँ पर भूमिका ज़्यादा थी, लेकिन हिंदू महासभा लगातार इन देश विरोधी तत्वों के खिलाफ बोलती रही, सरकार से एक्शन लेने की मांग करती रही, और हमने लगातार जहाँ भी CA के खिलाफ धरने पर बैठे ये लोग, उसको धरने से तुरंत हटाने की मांग हमने सरकार से की, पुलिस से की। देश धर्म निरपेक्ष है, मुस्लिम्स को भी रहना यहाँ अच्छा लगता है, क्रिश्चियंस को भी रहना लगता है, आप हिंदुत्व की बात करते हैं, आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, कैसे? देखिए, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। जो यहाँ पर मुसलमान हैं या और जो दूसरे अल्पसंख्यक हैं, वो उनके पूर्वज हिंदू से ही दूसरे धर्मों में गए हैं, उनका धर्मांतरण कराया गया है। चूँकि आपको पता है कि यहाँ पर 600-700 साल मुस्लिम शासन रहा और फिर 200 साल अंग्रेजों का शासन रहा, तो इन 800 वर्षों में काफ़ी संख्या में धर्मांतरण हुआ, बड़े पैमाने पर, हिंदुओं को प्रताड़ित करके, उन पर टैक्स लगा करके, उनके साथ हिंसा करके, डरा धमका करके, उनको हिंदू से उनका धर्मांतरण करा के मुसलमान और ईसाई बनाया गया। लेकिन उनके पूर्वज हिंदू हैं, आप उनका DNA टेस्ट कराइए, आपको सब हिंदू मिलेंगे। इसलिए हिंदुस्तान में रहने वाला जितना भी नागरिक है, यहाँ के जितने निवासी हैं, वो हिंदू हैं, और कि कोई धर्म की पूजा करे, किसी संप्रदाय की पूजा करे, किसी मूर्ति की पूजा करे, पूजा पद्धति में कोई रुकावट यहाँ नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाला सारा हिंदुस्तानी है, और अगर कोई देश को तोड़ने की बात करेगा, हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करता है, खाता हिंदुस्तान का है, गाता पाकिस्तान का है, तो सीधे सीधे उससे मैं कहूँगा कि वो पाकिस्तान चला जाए, हिंदुस्तान में उसकी जगह नहीं है, अन्यथा उनको खदेड़ खदेड़ के हिंदुस्तान से बाहर किया जाए। आप बराबर दो कानून पे बात करते हैं, दो कानून पे, जनसंख्या को लेके, मुस्लिम्स के लिए अलग, हिंदुओं के लिए अलग, तो ये क्या उनके धर्म पे चोट नहीं है? हम एक धर्म की बात करते हैं, किसी देश में एक कानून होना चाहिए। आपको ये जानकारी है कि अभी तक यहाँ पर समान नागरिक संहिता नहीं बना है, समान नागरिक कानून नहीं बना है। हिंदू महासभा उसकी मांग कई वर्षों से कर रही है कि देश में एक तरह का कानून बने, मुसलमानों के लिए अलग और हिंदुओं के लिए अलग क्यों हो, मुसलमान 4 शादी क्यों करे, हिंदू 1 शादी कर सकता है तो मुसलमान 4 शादी क्यों कर सकता है? हिंदुस्तान में रहने वाले हर नागरिक के लिए समान कानून होना चाहिए, और हमें विश्वास है कि मोदी सरकार जल्दी से जल्दी एक समान कानून को लागू करेगी और मजबूत जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करेगा। हिंदू महासभा मोदी सरकार को पूरे नंबर देती है, भारतीय जनता पार्टी को बढ़िया काम कर रही है? देखिए, हम हिंदू महासभा भाजपा के कई कामों से सहमत नहीं है, लेकिन कुछ अच्छे काम हुए जो हमने कई वर्षों से उसके लिए लड़ रहा था, जैसे कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करना था, CA पर ये कानून बनाना था, जो हिंदू आ रहे थे भाग के उनको दे भारत की नागरिकता देना, ये सब हमने मांग कई साल से हम लोग कर रहे थे, तो इसलिए हम बधाई देते हैं कि ये कानून लागू हुआ। लेकिन अभी भी एक समान कानून गौ हत्या पर रोकने के लिए एक कड़ा केंद्रीय कानून, इसकी मांग हम करते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून तुरंत लागू करने की हम मांग करते हैं, ये सब हमारे जो देश के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, ये अभी लागू हुआ नहीं है। राम मंदिर ट्रस्ट को है, जिसने भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर बनाने के लिए लड़ाई शुरू की, महंत दिग्विजय नाथ जी के नेतृत्व में वहाँ पर लड़ाई शुरू हुई, मूर्ति प्रकट हुआ, उसके बाद हिंदू महासभा पूजा पद्धति कराने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए वहाँ पर काम करते रही, वहाँ पर बीच बीच में झगड़े होते रहे, उसका हिंदू महा